हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपके साथ उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान मलिक। व्यूअर, आज मेरा लास्ट दिन है यहां पे और आज जो है मैं वापस जा रहा हूं दुबई में और आज जाके आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट का भी व्यू करवाऊंगा और थोड़ा सा इधर से जाने के टाइम में हाईवे व्यू भी करवाऊंगा आपको, पाकिस्तान का लास्ट एंड फाइनल। लेकिन व्यूअर, दिल नहीं कर रहा जाने का क्योंकि फैमिली को छोड़ना इतना इजी नहीं होता और रात को एक इमरजेंसी हो गई थी, वो ये कि मेरा भाई जो है उसको कुछ हो गया था अचानक और उसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हूँ क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को मेरे को पता है कि मेरे फादर नहीं हैं। सो हमारा ही मतलब है कि हम ही उनका ख्याल रखते हैं, हम ही उनके साथ चलते हैं। सो छोटा है अभी वो और उसकी जो तबीयत ख़राब हुई है उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। तो व्यूवर्स, आज के अपने व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के बाद आपको ये व्यू नहीं मिलने वाला, इसके बाद आपको मिलेगा बिल्डिंग व्यू मिलेगा और ट्रैवलिंग व्यू मिलेगा और इसके अलावा ऑन द रोड मैं ज़्यादा होता हूँ। सो ऑन द रोड व्यू जो है दुबई के रोड्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत कुछ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो मैं आपको लेट्स गो व्यूवर आगे का व्यू करवाता हूँ। व्यूवर, सुबह सुबह मैं अभी गया था अपने फादर की कब्र पे दुआ करने के लिए और अभी जो है वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। हमारे घर के पास ही है और अभी जाके नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद मुझे अपने गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल से एक पोलियो सर्टिफिकेट उठाना है। ये कुछ इन्होंने नया रूल निकाला है पोलियो सर्टिफिकेट का, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं दुबई से पाकिस्तान और पाकिस्तान से दुबई उनके लिए होगा ये। और इन्होंने नया कुछ निकाला है, पहले जैसे कोरोना का होता था अपना चेकअप करवा के उसकी सर्टिफिकेट मिलता था, सेम ऐसे ही आपने पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं उसका भी सर्टिफिकेट अभी आपको देना पड़ेगा। और ये है हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन। सो अभी जाके सिंपल सा नाश्ता करता हूँ, उसके बाद जो है निकलता हूँ। और सच बताऊं व्यूअर, तो दिल अंदर से सैड सैड है और बिल्कुल जो है फेस पे स्माइल आना डिफ़िकल्ट हुआ है और पूरी फैमिली जो है नर्वस हुई है, ऐसे मतलब इमोशनल जा रही है और हर किसी का बस ऐसे ही मतलब फेस है कि रोने का दिल कर रहा है। और सच पूछो तो मुझे भी जो है ऐसा फीलिंग आ रही है, यानी कि मेरे बेटे की जो है मुझे अभी से बहुत याद आ रही है, अभी मैं इधर ही हूँ और गया नहीं हूँ। जब जाऊंगा तो फिर कैसी फीलिंग होगी आई डोंट नो, आपके साथ शेयर करूंगा एवरीथिंग। सो वॉच करते रहे। सो व्यूअर, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए, तैयार हूँ बिल्कुल और अभी बस निकलने लगा हूँ। मेरे अंकल आ रहे हैं लेने के लिए, वही ड्रॉप करेंगे मुझे। और ये है जी मेरी लुक, शूज़ वगैरह पहने हैं और पेंट वगैरह और रेडी हूँ इस टाइम और निकलता हूँ इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में, कुछ 10-15 मिनट का टाइम है उसके बाद जो है निकलता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे कुछ टाइम ही आई थिंक, सो कुछ मिनट समझ लें। और फीलिंग जो है वो एक वेरी आपको क्या बोलूँ, इमोशनल हो रही है और बहुत ही सिचुएशन जो है वो नाजुक भी है क्योंकि मेरा छोटा भाई है यस्टरडे को उसको जो उसकी तबीयत ख़राब हुई है, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और अभी जो है फैमिली को छोड़ने में और स्पेशली अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये जो टाइम होता है ना निकलने वाला और यहाँ से जाने वाला घर से वापस, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो पूरी फैमिली जो है इमोशनल हो रही है और हर बंदा जो है वो रोने के लिए बिल्कुल समझ लो रेडी है, यानी कि बहाना चाहिए और बात चाहिए बस, और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है यार। सो परदेसियों के लिए यही जो है ना, ये जो टाइम होता है ये बहुत टफ टाइम होता है और बस ऐसा ही सीन है कुछ। और आगे चल के आपको वहाँ का व्यू करवाता हूँ। रियली मेरे फेस पे भी जो है वो स्माइल नहीं आ रही, लेकिन मैं वो क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्माइल जो है वो लेके आ रहा हूँ अपनी तरफ से, ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रही। सो मैं सबके लिए दुआ गो और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ करें और अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट घर छोड़ना जो है ये सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट मीन्स पॉइंट है। सो मेरे साथ जुड़े रहिए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी थोड़ा सा हाईवे व्यू शेयर करूंगा, उसके बाद जो है
इस्लामाबाद एयरपोर्ट का आपको दिखाऊंगा डिटेल से, और दुबई का तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें वापस जाने के टाइम मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा। सो व्यूअर, फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जो है आपके साथ आगे का व्यू शेयर करता हूं। मेरे साथ मेरे अंकल है और फीलिंग थोड़ी सी इमोशनल है, बट अंकल ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को और व्यूअर ये है जी रवात बाज़ार। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो दुबई और सऊदीया से देखते हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी यार ये रवात का एरिया जो है दिखाना, सो लास्ट टाइम उनको दिखा रहा हूँ। सो व्यूवर्स, अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रेश ईमान ढाका से स्वीट लिया, और क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं और मेरी कुछ कंपनी में जो कुछ मेरे साथ वर्कर्स हैं, काम करने वाले कुलीग्स हैं, उनके लिए भी स्वीट चाहिए थी, सो उनके लिए ली है। व्यूअर, फाइनली पहुंच चुके हैं जी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा साइन। और अभी मैं व्यूअर आगे चल के आपको एयरलाइन के अंदर क्या सीन होता है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कुछ व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एयरलाइन की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सो व्यूअर, वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करें और देखते जाएं। आज का ब्लॉग बहुत ही डिटेल और बहुत ही मज़े का होने वाला है। व्यूअर, एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद चाचू और चाचू के दोस्त से साथ में, सो हमने लिए हैं एक दो पिक्चर्स, और पिक्चर्स लेने के बाद जो है इमीडिएटली मैं गया हूँ इनसाइड पे, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम बहुत कम था। सो लेट्स गो, आगे का व्यू करवाता हूँ। सो व्यूअर, थैंक्स गॉड अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ और इमिग्रेशन भी मेरा क्लियर हो चुका है, और बोर्डिंग वगैरह और इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है। सो अभी फ़्लाइट के टाइम में तकरीबन आई थिंक सो 2.5 आवर्स बाकी हैं डिपार्चर में, और उसके बाद इंशाल्लाह दुबई। सो व्यूअर, अभी एयरपोर्ट पे हूँ और थोड़ा सा कुछ खाने पीने को दिल कर रहा था, सो मैंने सोचा कि कुछ सैंडविच वगैरह और थोड़ा कुछ खाने से भी फीलिंग थोड़ी चेंज होगी, और अभी बैठा हुआ हूँ लॉन के अंदर। सो व्यूअर, छोटा सा सैंडविच लिया और साथ में एनर्जी ड्रिंक का एक वो लिया। सो व्यूअर्स, ये है जी कुछ इस्लामाबाद एयरपोर्ट का व्यू, और ये छोटा सा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा नहीं है, बट बहुत अच्छा है यहाँ पे सिस्टम जो है, सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मींस डिस्टर्ब नहीं है बंदा होता है इसमें, और कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं आती इमिग्रेशन वगैरह की, यानी काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइजेबल है, और आपके डॉक्यूमेंटेशन और ये वो सब कुछ कंप्लीट हो तो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। सो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी और के साथ हुआ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, लेकिन यह है कि अच्छा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, मैं इतना भी इसको छोटा नहीं कह सकता, बहुत बड़ा है, मतलब दूसरे हिसाब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जैसा दुबई हो गया और दूसरी तीसरी कंट्रीज़ हैं, सो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह है कि सेपरेट सा और साफ़ सुथरा सा माहौल है, क्लीनिंग वगैरह अच्छी है यहाँ पे। और ये जो है कुछ आउटसाइड का व्यू है, आउटसाइड ये वो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं जिससे, मतलब जिनके अंदर से होके प्लेन के अंदर बैठना पड़ता है, क्योंकि प्लेन की ज़्यादा हाइट होती है, और ये ग्लास के ऊपर कुछ एक जालीदार कपड़ा सा होता है वो लगा हुआ है कि सन लाइट अंदर ना आए डायरेक्टली, नहीं तो बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। वो सामने जो है वो हिल्स नज़र आ रहे हैं, और बस ये वेटिंग एरिया है, और दूसरी तरफ ऊपर जो है ऊपर भी रेस्ट एरियाज बने हुए हैं बड़े बड़े, और दूसरी साइड पे वो साइड पे जो है बैक साइड पे कॉफ़ी शॉप्स और दूसरा तीसरा ऐसा ही है सीन है, मतलब तो अच्छा है। मीन्स आगे चलता हूँ आपको प्लान में बैठने तक जो है दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ये कुछ हैं जी पाकिस्तानी सौगात है अपनी, हलवा वगैरह और ये कुछ पाकिस्तानी कल्चर्स की,
आइटम्स हैं। ये मारखोर की पिक्चर बनी हुई है और कुछ अपना जो देसी कल्चर है ना वो है। सो यहाँ से एक पीस बाय करता हूँ, अच्छा नज़र आ रहा है। व्यूअर ये सामने है जी, मारखोर के कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं और साथ में पाकिस्तानी कल्चर्स के अलॉट ऑफ थिंग्स हैं। और ये वायलेट वगैरह और ये हॉर्स वगैरह बाइक्स और इस तरफ हैं जी चतराली कैब्स और ये सामने बाइक्स वगैरह। ये शाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद लाहौर। ये रिक्शा वगैरह और ये फैसल मस्जिद और ऐसे ही मीन्स यानी पाकिस्तानी कल्चर्स में जो जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई गई हैं। क्लॉथ्स वगैरह हैं पाकिस्तानी स्टाइल में। और इसके अलावा ये कुछ फ्लैग सा बना हुआ है, ये प्लेट से होती है डेकोरेशन पीस। व्यूअर्स अभी आगे चलता हूँ और आपको आगे का एयरपोर्ट का व्यू करवाता हूँ। तो व्यूअर ये हलवा सा है, मुल्तान की एक सौगात है, पाकिस्तान की सिटी है मुल्तान, तो उसकी सौगात है। सो ये बाइक ही है कुछ फ्रेंड्स के लिए। सो व्यूअर अभी टाइम हो चुका है जी 3:20 और अभी जो फ़्लाइट टाइमिंग है मेरी वो है 4:05 पे डिपर्चर है। और अभी जो सरीन एयरलाइन का हमला है वो तो जा चुका है, अभी मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ आगे। अभी आपको दिखाता हूँ कुछ फ़्लाइट स्केजुअल जो होता है ये शो करता हूँ, उसके बाद जो है एयरलाइन आपको दिखाता हूँ। व्यूअर ये स्केजुअल होता है फ़्लाइट्स का और मेरी फ़्लाइट है सेकेंड वाली ER 701। ये दुबई जा रही है और इस्लामाबाद से दुबई। सो अभी अपना हैंड कैरी पकड़ता हूँ और निकलता हूँ आगे और आपको ये साइड पे व्यू करवाता हूँ। व्यूअर ये जो सामने आपको एयरलाइन नज़र आ रही है ये सरीन एयरलाइन है, मैं आपको आगे से जाकर थोड़ा क्लोज व्यू करवाता हूँ। इस तरफ दो एयर लाइन्स खड़ी हैं, नीचे नज़र नहीं आती हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। और ये एयरपोर्ट है आउटसाइड और इस तरफ ये लाइन खड़ी है व्यूअर। ये सामने व्यूअर एयर लाइन है जी सरीन एयर लाइन, और इसका जो भी सेटअप होता है ये लोग कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं कुछ नीचे। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का व्यू है व्यूअर। अभी मुझे वहाँ पे जाना है B3 गेट में, मेरी जो एयरलाइन है वो B3 गेट पे है सरीन एयर। सो उसमें चलता हूँ आगे और आपको आगे का व्यू करवाता हूँ। व्यूअर इस तरफ 3-4 एयरलाइन खड़ी हैं, एक एयर सियाल है, एक सरीन एयर है और एक एयर ब्लू है और एक और है पता नहीं उसका नाम जो है वो शो नहीं हो रहा। आउटसाइड है जी, मेरी फ़्लाइट रेडी है बिल्कुल और अभी जो है पैसेंजर्स रेडी हैं बैठने के लिए। सो मेरा भी टाइम हो रहा है, मैं भी नीचे लॉन में चलता हूँ, अभी आपको क्लोज व्यू करवाता हूँ कि फ़्लाइट के अंदर जो है लगेज वगैरह कैसे लोड हो रहे हैं। तो ये है जी मेरी फ़्लाइट, इसके अंदर वो देखें आप लगेज वगैरह आए हुए हैं, ये सारे लोड होंगे इसमें सरीन एयर में। और ये नीचे जो है लॉन एरिया है, लोग बैठे हुए हैं पैसेंजर्स। अभी नीचे आ गया हूँ, यहाँ से करीब से आपको एयरलाइन दिखाता हूँ, लगेज वगैरह इसके अंदर लोड हो रहे हैं, अभी ज़रा क्लियर नज़र आएगा। सॉरी, और ये है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ये है जी मेरी एयरलाइन सरीन एयरलाइन और वो एक फ्लाइट ने लैंड किया है और बहुत ही अमेजिंग वेदर नज़र आ रहा है यार। व्यूअर ये देखिए इसके अंदर लगेज मेरा लोड हो रही है, वो ट्रॉली लगी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए व्यूअर, ये कुछ जा रही हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज हैं इसके ऊपर लगी, टोल है पूरे। और ये कन्वेयर बेल्ट से होता है, ये चलता है और खुद इसको जो है अंदर ले जाते हैं, आगे एक दो बंदे होते हैं जो इसको एडजस्ट करते हैं। सो आज सफ़र करता हूँ जी सरीन एयरलाइन का,
आगे ब्लू का किया था, सेरेनियर का करता हूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह रिजल्ट निकालेंगे कि सेरेनियर लाइन अच्छी है या दूसरी एयर ब्लू। और ये एक फ़्लाइट उतरी है, इसका नाम मैं नहीं पढ़ सकता लेकिन जूम करके देखता हूँ। पता नहीं क्या काबुल फ़्लाइट है लगता है, इसमें काबुल एयर अफगानिस्तान की फ़्लाइट है। और ये कुछ हिल्स है एक साइड पे, बहुत ही अमेजिंग व्यू देते हैं मेरे पर। अभी मैं जूम आउट करता हूँ, व्यूअर्स अभी टाइम हो रहा है 3:46 और 4:05 पे डिपार्चर टाइम है। और अभी जो है प्लेन के अंदर पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, ये B-Gate 3 है, B-3 गेट है। सो ये सामने जो है लाइन है, अभी मोस्टली पैसेंजर्स जो हैं बैठ चुके हैं और कुछ पैसेंजर्स बैलेंस है अभी, किसी की कोई डिफरेंट फ्लाइट होगी और कोई जो है मतलब ऐसे ही वेट कर रहा है मेरी तरह लास्ट पे जाने के लिए। मेरे पास कुछ बंदे होते हैं जो जल्दी जल्दी इमीडिएटली बैठते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो मतलब मेरी तरह थोड़े से स्लो मोशन होते हैं। और वैसे भी यार ना सब्र का थोड़ा मुजाहरा करना चाहिए, हमारी पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब के इमीडिएटली भाग पड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी को मतलब हिट नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात होती है वो शेयर करनी चाहिए। और मैं इसको अच्छा अपना एक फ़र्ज़ समझता हूँ कि किसी के साथ अच्छी बात शेयर करनी चाहिए। अगर आपने अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छे मतलब सिस्टम में हैं आप, तो एक रिस्पेक्ट होती है। सो अगर आप ऐसा नहीं करते, आप मतलब ड्रेस अच्छा नहीं पहनते, अच्छे कपड़े वगैरह पहन कर आप नहीं निकलते ऐसे बाहर, तो फिर जो फॉरनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा बैड जो है वो कमेंट जाता है। सो इसलिए अच्छे से अच्छा बिहेव करना चाहिए और कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। कभी कभार ऊँच नीच हो भी जाती है तो उसको जो है हौसले से और हिम्मत से थोड़ा सा काम लेना चाहिए। तो भी और अभी मेरा टाइम रहता है आई थिंक सो 17 मिनट्स है टोटल डिपार्चर टाइम में, और मैं अभी तक बैठा हूँ और ऑलमोस्ट पैसेंजर्स बैठ चुके हैं। बस ये क्लियर होने के बाद जो है मैं अभी चलता हूँ 2-4 मिनट तक। सो व्यूअर्स फाइनली प्लेन के अंदर बैठने लगा हूँ, गुड बाय पाकिस्तान। व्यूअर अभी प्लेन के अंदर जाके जो है आपको पूरा व्यू शेयर करूँगा कि यहाँ पे एयरलाइन में खाना कैसा मिलता है और पूरा सेटअप कैसे होता है। और स्पेशली एयरलाइन के अंदर से जो है मैं आपको आज व्यू करवाऊँगा क्योंकि शाम का टाइम है और आई थिंक सो मैं आपको जो है अच्छा व्यू करवाऊँगा और हाइट से व्यू करवाऊँगा यहाँ से डिपर्चर का और लैंडिंग का, स्पेशली बहुत ही मज़ा आने वाला है व्यूअर। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। तो व्यूअर सामने कुछ पैसेंजर थे, मैंने सोचा कि बैठ जाएं, तब तक मैं आपको बाहर का कुछ व्यू करवाता हूं। और ये एयरलाइन है जी, इस तरफ ये आपको नज़र आ रहा होगा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ, और ये एयरपोर्ट की साइड्स हैं। और अभी चलते हैं जी थोड़ी देर में अंदर, उसके बाद आपको डिपार्चर और लैंडिंग का व्यू करवाऊँगा, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। व्यूअर्स एयरलाइन के अंदर बैठते ही सरीन एयर वालों ने एक टॉफी दी है कि बच्चे रोए ना। आज अब 34,000 फीट की बुलंदी इस बात का इत्मीनान कर लें, अपने अपना रसीद सामान अगले रशेस के नीचे हवाले खाने में रख दिया है। आपसे होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरीन एयर के तमाम परवाजों पर सिगरेट नोशी और शमोन इलेक्ट्रिक सिगरेट की सख्ती से ममानियत है। हम उम्मीद करते व्यूअर्स अभी एयरलाइन रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, और अभी थोड़ी सी रनिंग करेगी, रनिंग करने के बाद जो है टेक ऑफ। व्यूअर अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत मज़े की वीडियो है। जिन मेरे व्यूअर्स ने एयरलाइन का किसी भी एयरलाइन का मीन्स एयरलाइन का सफ़र नहीं किया सो वो पूरी वीडियोस को देख सकते हैं कैसे होता है और क्या होता है सही। स्पेशली इसमें जो है वो कान बंद हो जाते हैं हवा के प्रेशर की वजह से, और ऐसे कुछ फील होता है। और अभी प्लान जो है चल पड़ा है, और अभी ये मैन वहाँ पर जाएगा, जाने के बाद वहाँ से जो है टेक ऑफ करेगा। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, देखते रहें अभी आगे जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ।
लोअर अभी आ गया, आपको मैं व्यू करवाऊंगा 36,000 फीट हाइट से, और नीचे जो है हिल्स ही नज़र आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आता। और अभी डिपार्चर के टाइम में आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट का व्यू नज़र आएगा। व्यूअर आज की वीडियो बहुत ही क्लियर हुई है, जो मैंने पहले बनाई थी दुबई से इस्लामाबाद की, वो जो है नाइट की फ़्लाइट थी मेरी, सो इसलिए व्यू नज़र नहीं आया सही। सो अभी जो है आपको दुबई भी नज़र आएगी लैंडिंग के टाइम में, और टेक ऑफ के टाइम में जो है इस्लामाबाद का भी बहुत सा व्यू नज़र आएगा। सो व्यूअर मैं अभी इसको स्किप नहीं कर रहा और कट नहीं कर रहा बीच से, सो क्योंकि मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर कर रहा हूँ इसलिए। व्यूअर अभी रनवे पे आ चुके हैं और कैप्टन की जो है अभी साउंड का वेट करना है बस, उन्होंने जैसे ही कहना है टेक ऑफ, सो उसी टाइम में इन अ 1 मिनट्स हवा में, सो ये वो वॉच करें। व्यूअर अभी प्लेन जो है स्पीड पकड़ने लगा है, मैदान में पे आ चुके हैं और अभी इन 1 मिनट ये जो है फ्लाई कर जाएगा हवा में, और अभी आप देखेंगे कि एकदम स्पीड पकड़ेगा, स्पीड पकड़ने के बाद जो है टेक ऑफ फिनिश। व्यूअर फाइनली टेक ऑफ हो चुका है और अभी ये सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग्स, ये कार्गो बिल्डिंग है और कार्गो टर्मिनल, और ये आपको रावलपिंडी नज़र आ रही होगी, और इमीडिएटली जो है ये 36,000 फीट की बुलंदी पे चला जाएगा 2-4 मिनट के अंदर अंदर, और ये वो रोड आ रही है सामने एयरपोर्ट की तरफ, और ये कुछ साथ विलेज वगैरह हैं स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि व्यूअर थोड़ी विंड स्क्रीन गंदी होने की वजह से जो है यहाँ से प्लेन हिलने की वजह से थोड़ा व्यू ख़राब होता है समटाइम, और अभी इमीडिएटली मैं आपको ऊपर का करवाने वाला हूँ व्यू 36,000 फीट से, इमेजिन करें कितनी हाइट है। सो ये है जी व्यूअर 36,000 फीट से व्यू, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि ग्लास के ऊपर जो है वो कुछ डस्ट वगैरह आउटसाइड पर, उसको बंदा क्लीन भी नहीं कर सकता, ना कोई ऑप्शन है, लाइन वाले ही करें और जब तो ये ऊपर से है व्यू। व्यूअर आज का व्लॉग बहुत ही डिटेल से है, स्किप नहीं करना बस, आपको अगेन 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 मैं यही कह रहा हूँ। और ये देखें हिल्स जो हैं बड़े बड़े, जब हिल्स के ऊपर पहुँचता है प्लान व्यूअर तो यानी नॉर्मली हर एयरलाइन में जितनी एयरलाइन पर मैंने सफ़र किया है उसमें यही होता है कि वो शेक होना शुरू हो जाती है थोड़ा थोड़ा, उसकी जो है वो सतह नामवार होती है और बार बार वो अनाउंसमेंट करते हैं कि एयरलाइन जो है नामवार हो चुकी है, घबराना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा नामवार हुई है क्योंकि वेदर थोड़ा सा जो है वो हिल्स के ऊपर हवा का प्रेशर अप एंड डाउन होता है। व्यूअर एयरलाइन के अंदर खाना आ चुका है जी, और ये बड़े बॉक्स में है राइस एंड चिकन आई थिंक सो, अभी ओपन करते हैं पता चल जाएगा, और साथ सलाद केक और जूस, ये सिंपल सा व्यूअर है, अगर आपको पेप्सी वगैरह ये वो चाहिए तो वो मिल जाता है। ये देखिए व्यूअर राइस एंड चिकन, क्योंकि मैंने अलॉट ऑफ टाइम एयरलाइन में सफ़र किया सो इसलिए मुझे आइडिया होता है, और ये साथ में केक है और
और सलाद है। इस तरफ जूस। सो व्यूअर, अभी हम समंदर के ऊपर पहुंच चुके हैं, सी के ऊपर, और थोड़ी देर में जो है हम इंशाल्लाह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। और ये आपको सी नज़र आ रहा होगा नीचे से। व्यूअर, अभी थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया, इसलिए व्यू क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक सो आपको फ़ील हो रहा होगा। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, मींस कम्युनिटी नज़र आ रही है, ये दुबई के ऊपर है, हम समझो मतलब दुबई साइड पे पहुंच चुके हैं। और आगे आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा और नज़दीक जाके। सो फाइनली व्यूअर, हम लैंडिंग के लिए रेडी हैं, और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा दुबई, और ये है जी दुबई का ब्यूटीफुल सीन लैंडिंग। सो यू आर, थैंक्स गॉड, लैंडिंग भी हो रही है, और समझ लो लैंडिंग हो ही चुकी है, बस अभी बस प्लान को एडजस्ट करना है उन्होंने। ये है जी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और व्यूअर, यहाँ पे हर मिनट के अंदर जो है एक फ़्लाइट आती है, एक जाती है, एक आती है, एक जाती है, यानी इतना बिजी एयरपोर्ट है ये। और इसके तीन टर्मिनल हैं और बड़े बड़े टर्मिनल्स हैं, जिसको मेरी डिटेल से वीडियो देखनी है, मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगा दूसरी वीडियो का, जो दुबई से इस्लामाबाद थी, और उसमें ज़्यादा जो है इस्लामाबाद, सॉरी दुबई एयरपोर्ट का व्यू है, और इसमें जो है ज़्यादा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। सो व्यूअर, मेरे साथ जुड़े रहना है, अभी आपको एक दो क्लिप आ गएंगे इनसाइड के शेयर करूँगा, उसके बाद बाय बाय, अल्लाह। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठ के एक बात की थी कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अपनी पाकिस्तानी कौम में जो है सब्र है ही नहीं है। आई एम सॉरी, ये बैड कमेंट जाता है, बट मैं इनको बताना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा ना किया करो। व्यूअर, पूरी एयरलाइन एम्प्टी होने के बाद आपका भाई जो है जाने के लिए भी रेडी है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड, सेफ लैंडिंग हो गई है, और अभी आगे चलता हूँ और अपना बैग जो है वो लेता हूँ। लेने के बाद जो है इमिग्रेशन क्लियर करना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ एक छोटा सा क्लिप आगे का शेयर करूँगा और अपने घर। ये वो ये है जी दुबई, ये देखो यहाँ पे कैसे मिलती है। मैं व्यूअर समझ गया होंगे ये क्या है। सो व्यूअर, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रूम में पहुँच चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा फीलिंग टायर्ड जा रही है, और टेंशन की वजह से थोड़ा सा अपसेट भी हूँ। और आज के अपने इस व्लॉग को व्यूअर शॉर्ट सा यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के बाद जो वीडियोज़ आएँगी वो दुबई की होंगी। और व्यूअर, अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, और अपने रूम में भी कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है अपने क्लॉथ वगैरह की, और छोटे भाई की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। सो बट फिर भी वीडियो आज बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, और आप लोग ये इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसके अलावा व्यूवर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही, क्योंकि इतनी गहराई से कोई भी व्लॉग नहीं बनाता जितना आज मैंने ट्रैवल को आपके करीब किया और आपको हर चीज़ क्लैरिफाई करके दिखाई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर, अल्लाह हाफिज़।